डिस्ट्रॉइंग माई फ्रेंड्स कार रिस्टोरेशन। ये बात है रोहन नाम के लड़के की जो बुदबुदा गांव में रहता था, पर काम के लिए वो कुछ दिनों से शहर में रह रहा था। रोहन के माँ बाबूजी गांव में ही रहते थे। रोहन कुछ दिनों के लिए शहर से गांव आता है। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए मौका देखते ही उसके पिताजी उसे कहते हैं, अरे बेटा सुन, शादी कर ले बेटा, वरना उम्र निकल गई तो फिर इस लड्डू को देखते ही रह जाओगे लेकिन खा नहीं पाओगे। पिताजी मैंने कब मना किया है, मैं गांव आया भी तो इसी वजह से हूँ कि आपके ध्यान में आ जाए कि आपका बेटा शादी के लायक हो गया है। अच्छा अच्छा बेटा, हमें तो लगा कि तू अपने माँ बाबूजी से मिलने आया। दिल तोड़ दिया बेटा तूने अपने माँ बाबूजी का। चलो कोई बात नहीं, तेरी बारात तो मैं घोड़े पर निकालूंगा। अरे पिताजी, बारात के लिए पहले लड़की तो ढूंढो, वरना बारात किसके घर ले जाओगे, और वैसे भी मुझे कोई घोड़े पर बैठने का शौक नहीं है। इस तरह बाप बेटे की मजाकिया बातें होती रहती है। दूसरे दिन रोहन को लेकर वे सभी लड़की देखने जाते हैं। रोहन को लड़की पसंद आती है, शादी की तारीख भी तय की जाती है, लेकिन रोहन की तमन्ना रहती है कि उसकी बारात कार से ही निकले। लेकिन तमन्ना से क्या होगा, उसके लिए कार भी तो चाहिए। रोहन के पास कोई कार नहीं रहती। तभी उसे अपने दोस्त अमित की याद आती है और वो उसे मिलने जाता है। अरे अमित मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद मिले तुम। जरूर कुछ काम होगा इसलिए तुझे मेरी याद आई, वरना तू बिना काम के और मुझसे मिलने आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे बस क्या दोस्त, मैं तो तुझे न्योता देने आया था मेरी शादी का, और तू है कि मेरी ही टांग खींच रहा है। क्या बात है, तू शादी कर रहा है, कौन है वो लड़की जिसके भाग फूट गए? है बेचारी एक, बस एक दिक्कत है यार, मुझे बारात के लिए तेरी कार चाहिए। अब आया ना मुद्दे पे, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा, क्यों? ये है असली बात। बस यार मेरी ख्वाहिश है कि बारात कार से ले जाऊं, इसलिए तेरी कार लेने के लिए आया। ठीक है दोस्त, ले जा, तू भी क्या याद रखेगा किस दोस्त से पाला पड़ा था। इस तरह से दोनों बातें करके सब तय करते हैं और रोहन कार लेकर अपने घर जाता है। शादी का दिन आता है, रोहन के पिताजी कार को अच्छे से सजा कर लाते हैं। बारात निकलने का समय होता है और रोहन दूल्हा बनकर कार में बैठने आता है कि तभी वो देखता है कि कार के अंदर पहले से ही ढेर सारे लोग बैठे हैं। रोहन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो पिताजी से कहता है, अरे पिताजी ये क्या है, शादी मेरी है, दूल्हा मैं हूँ और कार में ये लोग बैठे हैं, अब मैं क्या पैदल बारात लेके जाऊँ? अरे बेटा मेहमान है, थोड़ा एडजस्ट कर लो बेटा। उस पुरानी कार में लोग कूट कूट कर बैठे रहते हैं। रोहन भी अपने आप को कार में एडजस्ट करके बैठ जाता है। एक तो पुरानी कार, ऊपर से इतना सारा बोझ, पहले तो कार शुरू ही नहीं होती और जब धक्का देने पर शुरू होती है तो थोड़ी दूर जाके बीच रास्ते में ही डगमगाने लगती है। धीरे धीरे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और चलते चलते कार के चक्के निकलकर भागने लगते हैं। तभी गाड़ी में बैठा एक आदमी कहता है, अरे रोहन ये कैसी कार लेकर आया बेटा, हमारी बेइज्जती कराएगा क्या दुल्हन के लोगों के सामने? कार बंद हो जाती है, सभी लोग कार से उतर जाते हैं और रोहन को ताने मारने लगते हैं। इस पर रोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो कार की डिक्की से एक हथौड़ा निकालकर कार को ही मारना चालू करता है। थोड़ी ही देर में वो पूरी कार को तहस नहस कर देता है। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तब उसे ध्यान में आता है, अरे बाप रे ये मैंने क्या किया गुस्से में, ये कार तो अमित की है, मैंने इसे ही तोड़ दिया। ये समझकर रोहन जल्दी से कार को अपने दोस्त के साथ रिस्टोरेशन के लिए भेज देता है और देर से ही सही शादी में पहुंच जाता है। इधर उसकी शादी होती रहती है और उधर अमित की कार रिस्टोर होती रहती है। देर रात तक कार पूरी तरह से तैयार हो जाती है और रोहन उस कार में ही अपनी बीवी को लेकर घर जाता है। इस तरह से शादी भी हो जाती है और कार का रिस्टोरेशन भी। दूसरे दिन कार को वो अमित को वापस कर देता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर उसका दोस्त अमित खूब हंसता है। अंडरग्राउंड टनल। भागलपुर नाम के गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम बाबू था। वो हर रोज एक मंदिर के आगे बैठकर भीख मांगता था। ऐसे ही भीख मांगते मांगते इतने सालों में उसने जो रुपए कमाए उससे उसने एक छोटी सी झोपड़ी खरीदने की सोचा। इसलिए वो गांव के एक रामलाल नाम के आदमी से मिलने जाता है और कहता है, सुनिए रामलाल जी, मुझे एक झोपड़ी खरीदनी है,
क्या आपके पास कोई झोपड़ी है जिसे आप बेचना चाहते हैं? अरे यार, सवेरे सवेरे भिखारी से बोहनी करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, चल बैठ वहां नीचे और 15,000 रुपए निकाल। बाबू रामलाल को 15,000 रुपए देता है और रामलाल उसे 2 दिन के बाद वापस आने के लिए कहता है। बाबू बहुत खुश होता है कि आखिर वो एक झोपड़ी ही सही, लेकिन खुद की झोपड़ी में रहेगा। 2 दिन के बाद बाबू रामलाल के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे कुछ लोग बहुत मार रहे हैं, उससे कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ी देर तक बाबू वैसे ही छुपकर देखता रहता है। कुछ देर के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबू अंदर जाता है, रामलाल उसे जख्मी पड़ा हुआ दिखता है। बाबू उससे पूछता है, अरे रामलाल जी, ये क्या हुआ? किसने किया? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं नहीं बाबू, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक झोपड़ी का पता बताता हूँ, तुम उस झोपड़ी में रहना शुरू करो। और सुनो, कोई कुछ भी करे, किसी को भी झोपड़ी के अंदर आने मत देना और बहुत ही संभाल कर रहना। लेकिन साहब, ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? बाबू रामलाल से पूछता ही रहता है, लेकिन तब तक रामलाल मर चुका होता है। बाबू वहां से रामलाल के बताए पते पर जाता है और झोपड़ी के अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखता। वो झोपड़ी एक मामूली झोपड़ी की तरह ही होती है। वो अपना सामान लाकर वही रहने लगता है। एक रात को वो सोता है, लेकिन अचानक उसे जमीन के नीचे से कुछ आवाज आती है। बाबू जमीन को कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है। ये देखते देखते वो एक पुरानी लकड़ी की पेटी तक जाता है। बाबू उस पेटी को हटाकर देखता है तो वहां पर एक दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे को खोलता है। वो देखता है कि नीचे की तरफ जाती हुई कुछ सीढ़ियां है। वो उस सीढ़ियों से नीचे जाता है। नीचे जाते ही वो देखता है कि कोई बहुत पुरानी सी अंडरग्राउंड टनल है जो बहुत लंबी है। वो उस टनल से अंदर चलता ही जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे टनल के आखिरी में एक दरवाजा दिखता है। बाबू दरवाजा खोलता है तो उसे एक कमरे में ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात दिखते हैं। अरे बाबरे, इतना सारा सोना, हीरे, ये सब किसका है? अच्छा अच्छा, आप समझा कि रामलाल जी क्यों संभाल कर रहने के लिए कह रहे थे। बाबू उस टनल से बाहर आ जाता है और दूसरे दिन वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे पूछने लगते हैं, अरे सुनो, ये झोपड़ी किसकी है? कमाल करते हो साहब, इस झोपड़ी में मैं बैठा हूँ और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि ये झोपड़ी किसकी है। अरे ये मेरी है, और किसकी है? हाँ हाँ ठीक है, इतना भाषण देने की जरूरत नहीं। ये झोपड़ी तुमने रामलाल से खरीदी है ना? जी हाँ, लेकिन क्यों साहब, क्या हुआ? वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन बाबू समझ जाता है कि उस खजाने के पीछे वो लोग है और इन लोगों ने ही रामलाल को मारा। रामलाल जल्दी से लकड़ी की पेटी को वहां से हटाकर अच्छे से लिपापोती करके उस टनल के दरवाजे को मिट्टी डाल के बंद कर देता है। रात होती है और 2 आदमी बाबू के झोपड़ी में जबरदस्ती घुस आते हैं और मार मार कर बाबू को वहां से बाहर निकाल देते हैं। बाबू बाहर से चुपचाप देखता रहता है कि वे लोग झोपड़ी में कुछ खोज रहे हैं। काफी देर तक खोजने के बाद दूसरा आदमी कहता है, अरे सुन, ये रामलाल की झोपड़ी है, लेकिन इस झोपड़ी में वो खजाना नहीं है जो रामलाल ने छुपाया था। चलो दूसरी झोपड़ी में देखते हैं। ऐसा बोलकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। बाबू झोपड़ी के पीछे जाकर दूसरी जगह से उस अंडरग्राउंड टनल में जाने के लिए खुदाई करता है और कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके सारा सोना और हीरे जवाहरात निकलकर बड़े शहर में बेच देता है और मिले हुए रुपयों से वो झोपड़ी को छोड़कर एक दूसरे शहर में आलीशान बंगला लेकर वही बस जाता है।